हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एडवांस स्टडी हब में। दोस्तों, मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जा चुका है और आप लोगों को पता है 10 दिसंबर 2019 को ये परीक्षा यहाँ पे आयोजित कराई गई थी। अलग अलग 3 शिफ्टों में ये एग्जाम यहाँ पे हुआ और यहाँ पे देखिए 10 तारीख को आपने जैसे ही एग्जाम दिया उसके 3 दिन बाद में 13 तारीख को आपको आंसर की भी प्रोवाइड करा दी गई थी। 13 से 15 दिसंबर तक आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स को यहाँ पे चेक भी कर लिया है और आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में भी बताया है कि कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आप लोगों ने किया है और बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसी जो है आपको जरूर मिलेगी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट जरूर मिलेगी अगर आपका प्रदर्शन वाकई में यहाँ पे अच्छा रहा है। और आज का जो सेशन रहने वाला है डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा। जितने भी सवाल आप लोगों ने यहाँ पे पूछे हैं कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको एक एक करके सारे सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं। और बीते 3 से 4 दिनों में जितने भी वीडियोस डाले हैं उन्हीं सवालों को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती से ये जुड़े हुए सारे सवाल हैं। तो एक एक करके सारे सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला सवाल जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कैंडिडेट का, तो ये पूछा जा रहा है कि अलॉटमेंट जो लिस्ट है, पहले चरण का जो अलॉटमेंट आएगा ये कितनी सीट्स पर आएगा, और तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या लिखा गया था और नोटिस की ओर भी हम आपको ले जाएंगे, बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, 3500 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे जो अलॉटमेंट आएगा यहाँ पे जो है वो कितनी सीट पर आने वाला है, क्या 3500 वैकेंसी पर ही आएगा या कुछ वैकेंसीज पर ही ये अलॉटमेंट आने वाला है पहले चरण का, तो इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। दूसरा जो सवाल पूछा जा रहा है कैंडिडेट द्वारा, जो कि है यहाँ पे स्किल टेस्ट को लेके, क्या इसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, इसकी जानकारी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ एक सवाल और यहाँ पे कैंडिडेट का है जो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को लेके यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इसमें होगी या नहीं होगी ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। साथ ही साथ आखिरी जो सवाल है कैंडिडेट का यहाँ पे, जो कॉमन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्शन कॉलिंग का है। ठीक है, ऑब्जेक्शन कॉलिंग का जो ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया था, जो भी आंसर्स वगैरह हैं सही प्रोवाइड नहीं कराए गए थे, आप लोगों ने यहाँ पे जो है ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया था ऑब्जेक्शन कॉलिंग का, तो इसको इस्तेमाल किया। तो जितने कैंडिडेट्स ने इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया है, क्या उन कैंडिडेट्स के यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, तो इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अंत तक ये अपडेट को देखना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। लाइक कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करें इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए कोई भी सवाल हो, और नीचे ही यहाँ पे देखिए जा रहे हैं आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा और वीडियो के नीचे जाके आप लोग इस पर सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, आगे की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपको मिलती रहेगी और कोई भी अपडेट अगर वेबसाइट पे आता है सबसे पहले और सबसे तेज हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है, हम आपको यहाँ पे सारी जानकारी प्रोवाइड आगे भी इसी तरीके से कराते रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत करते हैं अपने अपडेट को। बोला जा रहा है यहाँ पे अलॉटमेंट को लेके, पहले चरण के अलॉटमेंट के लेकर क्या बात कही गई थी, तो उसकी ओर हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं। उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए एक नोटिस यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया था। तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोग्राम स्टडी सेंटर की चॉइस फिलिंग हेतु यहाँ पे एक नोटिस था, उसमें यहाँ पे लिखा गया था अलॉटमेंट को लेकर पहले चरण का जो भी यहाँ पे आपको आने वाला है, और यहाँ पे करेंगे हम क्लिक हियर, और क्लिक हियर करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से यह नजर आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं ये वही नोटिस है, इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखिए सेकेंड लास्ट पैराग्राफ जो कहा गया है और उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है दिनांक 10 दिसंबर 2019 को प्रवेश परीक्षा आयोजित होने के बाद प्रशिक्षण हेतु मीन्स ट्रेनिंग के लिए प्रथम चरण मीन्स पहले चरण का जो अलॉटमेंट है, मैं केवल जनवरी से जून 2020 सत्र की 1830 सीटों का आवंटन किया जाएगा। कहने वाली बात है, जो पहला जो अलॉटमेंट आपका यहाँ पे आने वाला है जनवरी से जून 2020 सत्र का, मीन्स जनवरी से जून 2020 सेशन का, उसमें सिर्फ 1830 सीटों का ही आपको आवंटन दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है बाकी के जितने भी शेष 3 सत्र हैं, तो आपको बोला जा रहा है आवंटन जो है संबंधित सत्र शुरू होने के बाद ही आपको यहाँ पे प्रकाशित कर दी जाएगी, जो भी यहाँ पे सूचना है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, जो पहले चरण का जो अलॉटमेंट है मीन्स फर्स्ट अलॉटमेंट जो है यहाँ पे आपको 1830 सीटों पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे यो आगे के जो 3 सत्र रहेंगे मीन इसके अलावा के जो 3 सत्र रहेंगे उसका आवंटन आपको तभी मिलेगा जब वो सत्र यहाँ पे शुरू होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर इसको यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे 4 सत्र अलग अलग दिए गए हैं, जिसमें से सिर्फ पहले नंबर का ये जो सत्र है 1830 सीटों का, इसका ही आपको अलॉटमेंट आने वाला है। और आपको बता दिया जा रहा है कि यहाँ पे आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इन 1830 सीटों में से जो 970 सीट है, इनमें जो भी कैंडिडेट पास हुए थे जून 2019 के, जिनकी चॉइस फिलिंग भी करवाई गई थी, तो उनको यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। आपको इन 1830 सीटों में से जितने भी कैंडिडेट हैं 10 दिसंबर 2019 की भर्ती में शामिल हुए हैं,
उनको सिर्फ यहाँ पे 860 सीटों पे ही यहाँ पे आवंटन यहाँ पे होना है, और बाकी की 970 जो सीट है यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को मिलेगी जो जून 2019 की आयोजित परीक्षा में यहाँ पे सफल हुए थे। तो आप लोगों को ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अभी आपको जो अलॉटमेंट मिलने वाला है 860 सीटों पर मिलेगा, और वैसे अलॉटमेंट जो है 1830 सीटों पर ही मिलेगा, लेकिन जो अभी जो कैंडिडेट एग्जाम देकर आए हैं 10 दिसंबर 2019 को, उनके लिए सिर्फ यहाँ पे 860 सीटें यहाँ पे रखी गई हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना है, और यहाँ पे आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो ये डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरे डाउट की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं, स्किल टेस्ट को लेकर। देखिए स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पे कोई भी जानकारी प्रोवाइड नहीं कराई गई थी, तो इसमें यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका नहीं होगा। पुराना जो यहाँ पे CHO का एग्जाम था जून 2019 का, तो आपको वहाँ पे स्किल टेस्ट देना पड़ा था। तो स्किल टेस्ट में देखिए यहाँ पे जो था 20 नंबर का शायद वहाँ पे थोड़ा रिटन टाइप का था, और वहाँ पे शायद 20 नंबर का जो था वो शायद वायवा था, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है जो पुरानी भर्ती का था, अब यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, नया जो यहाँ पे आप लोग एग्जाम देकर आए हैं 10 दिसंबर 2019 को, तो आपको यहाँ पे ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि स्किल टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो तीसरा जो सवाल है यहाँ पे कैंडिडेट्स के द्वारा जो पूछा जा रहा है ऑब्जेक्शन कॉलिंग को लेकर, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन कॉलिंग के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए ऑब्जेक्शन कॉलिंग का यहाँ पे एक ऑप्शन प्रोवाइड आपको कराया गया था MP ऑनलाइन की ये जो वेबसाइट थी, और MP ऑनलाइन की ये जो वेबसाइट यहाँ पे थी ये 13 से 15 दिसंबर आई थिंक यहाँ पे ये ऑप्शन प्रोवाइड था। आप सभी लोगों को ये एक मौका आपको दिया गया था, जो भी आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए थे, जो गलत आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए थे, आपको यहाँ पे एक चांस दिया गया था कि आप लोग उस पर ऑब्जेक्शन को यहाँ पे रेज कर सकते हैं। आपको आप जाके उनको बता सकते हैं कि इन सवालों के यहाँ पे जो आंसर्स प्रोवाइड कराए गए हैं वो गलत हैं। तो काफी कैंडिडेट्स ने इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इस ऑप्शन का, ऑब्जेक्शन कॉलिंग का। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे पूछ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है तो इसका यहाँ पे इंक्रीज होंगे उन कैंडिडेट्स के मार्क्स, तो नहीं होंगे, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी शिफ्ट हो, जैसे कि मान के चलता हूँ फर्स्ट शिफ्ट है, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, चाहे थर्ड शिफ्ट हो, अगर किसी भी कैंडिडेट ने यहाँ पे गलत सवाल का, जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन कॉलिंग का इस्तेमाल किया है, अगर उसके मार्क्स बढ़ेंगे तो सेकंड शिफ्ट के सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स बढ़ेंगे। और जैसे कि मान के चलता हूँ पहले शिफ्ट में अगर आपने ऑब्जेक्शन कॉलिंग का इस्तेमाल किया है, अगर वो सही पाया गया तो फर्स्ट शिफ्ट के सभी कैंडिडेट के मार्क्स इंक्रीज होंगे, और अगर मान के चलता हूँ थर्ड कैंडिडेट के किसी कैंडिडेट को लगा कि आंसर यहाँ पे सही प्रोवाइड नहीं कराया गया है, और वाकई में वो आंसर जो सही जो प्रोवाइड नहीं कराया गया, अगर मान के चलता हूँ वो सही निकला बाद में, तो आपके मार्क्स यहाँ पे जरूर बढ़ेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो थर्ड शिफ्ट में अपियर हुए थे, तो आपको यहाँ पे कहीं भी घबराना नहीं है, आपके मार्क्स यहाँ पे जरूर इंक्रीज होंगे। करीब करीब 4 से 5 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर भी देखा है काफी कैंडिडेट्स जो यहाँ पे बता रहे हैं, तो मैंने उनके आंसर भी सर्च किए हैं, तो करीब करीब 4 से 5 मार्क्स, करीब करीब 4 से 5 नहीं कहूंगा, तो 3 से 4 मार्क्स तो यहाँ पे इंक्रीज होंगे ही होंगे आप लोगों के, जो भी आप लोगों का स्कोर कार्ड रिलीज होगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को। अगला जो सवाल था कैंडिडेट का, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इसमें अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी। देखिए पुराना जो एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था जून 2019 का, उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई थी, तो उम्मीद करता हूँ इस बार भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे इसकी प्रोसेस जो है, और अच्छी बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, और यहाँ पे अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए काफी कैंडिडेट्स रहते हैं, जैसे कि मान के चलता हूँ 72 नंबर लेकर आए, तो काफी ऐसा भी हो जाता है कि उनके नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जैसी होती है तो उनके 70 मार्क्स हो जाते हैं, 69 मार्क्स हो जाते हैं, तो अच्छी बात है ये तो कि यहाँ पे काफी कैंडिडेट्स ऐसे भी रहते हैं यहाँ पे कि 72 से यहाँ पे 74 होगा, लेकिन बहुत ही कम रेयर केसेस रहते हैं ऐसे, तो यहाँ पे अच्छी बात है सभी कैंडिडेट को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिली है, नॉर्मलाइजेशन नहीं है, जितने भी आपने प्रदर्शन किया है वही आप लोगों के मार्क्स हैं, और ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए। तो सारे डाउट्स मैंने आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं अलॉटमेंट को लेकर और स्किल टेस्ट को लेकर, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को लेकर और ऑब्जेक्शन कॉलिंग की प्रोसेस को लेकर, सारी जानकारी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दी है। इस अपडेट को यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, इस मेहनत को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे देखिए नीचे वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, आपको जाके उस पर एक बार क्लिक कर देना है, आगे की इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरीके से आपकी स्क्रीन पर आती रहेगी, और कोई भी अपडेट आपसे आप पे छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहिए, और चाहे तो एक थैंक यू का मैसेज भी आप लोग टाइप कर सकते हैं, बहुत ही कम लोग लिखते हैं लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग यहाँ पे थैंक यू का मैसेज टाइप करते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।